मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए शनिवार को इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र छात्राओं को बधाई दी। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कॉलेज से घर आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज में पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मज़दूर हैं, तो रोज़ उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता, तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसे पेमेंट करने की व्यवस्था के बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है। और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है, आप लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं जो स्मार्टफोन है उसका उसके सारे फीचर्स आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो केवल बस बात भर करना रहता है या कोई मैसेज आए तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो उसी के साथ ही पला बढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया जहाँ स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं, वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में, 1152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है और अभी अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब वो हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था, और साथ ही चूँकि वो वर्चुअल होगा इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं, ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए, तो कुल मिला के 150 जो ब्लॉक है
उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जेई के या नीट के तैयारी करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी, और उसके साथ साथ अब पीएससी व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो शुरू हो गया, 4 अभी स्वीकृति के कगार पर है, तो 8 नए मेडिकल कॉलेज, उसकी प्रकार से 83 जो कॉलेज खोले गए हैं जिसमें 23,000 से अधिक बच्चे, 23,500 सीटों की वृद्धि की गई है। जिला मुख्यालयों में 10 कन्या महाविद्यालय भी खोले गए हैं। अभी पहले तो अंग्रेजी स्कूल ही नहीं थे, लेकिन अब 377 से अधिक हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए, और उसके साथ साथ अब कॉलेज भी 10 अंग्रेजी कॉलेज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा क्षेत्र में लगातार प्रयास, जैसे व्यापम है, पीएससी है, इसमें जो शुल्क लगता था अब वो नहीं लगता, तो जो परीक्षार्थी हैं लगभग 33 करोड़ रुपये को उनका बचत हुआ है। अभी जिस प्रकार से जो परिवहन है उसमें 100 करोड़ से अधिक की राशि, उसकी बचत आप लोगों को होगी। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पहले विभाग के द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना रखा गया था, जिससे इस योजना के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, परिवहन शब्द आने से ये हो जाएगा कि ये छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि युवा मितान परिवहन योजना इस योजना का नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ विभाग भी इससे सहमत होगा। तो आप सबको इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर।